आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश की वाराणसी लोकसभा सीट से नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं और पूरा काशी मोदी में हो चुका है। पीएम मोदी गंगा सप्तमी के शुभ मुहूर्त में नामांकन दाखिल करेंगे। बिल्कुल, और उससे पहले गंगा में डुबकी भी लगाएंगे। कल भी पीएम काशी में थे और कल प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में भव्य रोड शो किया। रोड शो के दौरान ऐसा लग रहा था कि मानो पूरा काशी सड़क पर सैलाब बनकर निकल आया हो। हालांकि ये पहली बार नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी जब जब काशी पहुंचे हैं तब तब काशी में मोदी के लिए ऐसी ही भव्य झांकी दिखाई दी है। काशी में बीजेपी कार्यकर्ताओं से लेकर लोगों के बीच ऐसा माहौल था मानो किसी उत्सव की तैयारी चल रही है। बिल्कुल, और आज उस उत्सव को मनाने का मौका भी आ चुका है। आपको प्रधानमंत्री के नामांकन की हर तस्वीर दिखाएंगे। आज दिन भर एबीपी न्यूज रिपोर्टर काशी की गलियों से आप तक पल पल की रिपोर्ट पहुंचाएंगे। कल काशी में क्या माहौल था और आज क्या क्या होने वाला है, प्रधानमंत्री मोदी नामांकन से पहले कहां कहां जाने वाले हैं, सब कुछ बताएंगे। लेकिन अभी आपको बड़ी खबर बता देते हैं। बिल्कुल, और बड़ी खबर यह है कि आज वाराणसी से 14 मई मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन करने वाले हैं और नामांकन से पहले पीएम मोदी गंगा स्नान करेंगे और काल भैरव मंदिर में दर्शन करेंगे। पीएम मोदी नमो घाट से काल भैरव मंदिर तक मिनी रोड शो भी निकालेंगे और पीएम मोदी के नामांकन में एनडीए के भी कई नेता मौजूद रहेंगे। ये बड़ी खबर है, एनडीए के कई नेता आज उनके नामांकन के दौरान उनके साथ मौजूद होंगे। इसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का नाम है, बिहार के सीएम नीतीश कुमार का नाम है। एक मिनी रोड शो भी निकलेगा, स्नान करेंगे वो, काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे और फिर अपना नामांकन दाखिल करेंगे। ये है आज का कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और ये पहले से तय है, नमो घाट से काल भैरव मंदिर तक एक मिनी रोड शो होगा। बिल्कुल, और नामांकन से जुड़ी पल पल की तस्वीरें दिखाने के लिए मेरे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। अभिषेक उपाध्याय काल भैरव मंदिर से आपको लाइव तस्वीरें दिखाएंगे। अंकित गुप्ता नमो घाट से लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। स्नेहलता शुक्ला सिघाट से लाइव तस्वीरें हमको दिखाएंगे। साथ ही साथ वीरेश पांडे दशाश्वमेध घाट से हमें सीधी लाइव तस्वीरें दिखाएंगे कि वहां पर क्या चल रहा है। और अब आपको नरेंद्र मोदी के काशी सफर की कुछ झलकियां दिखाते हैं, फिर अपने रिपोर्टर्स के पास चलेंगे और देखेंगे काशी में अभी क्या माहौल है। काशी तो काशी, काशी तो अविनाशी है, काशी में एक ही सरकार है, जिनके हाथों में डमरू है उनकी सरकार। मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। और अब आपको प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन की दो तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर है साल 2014 की और दूसरी तस्वीर होगी साल 2019 की। तो ये दो तस्वीरें आप देख लीजिए। साल 2014 में जब पहली बार उन्होंने नामांकन भरा, वाराणसी से पर्चा दाखिल किया, वो तस्वीर भी इस वक्त हमने आपकी स्क्रीन पर रखी है। और साल 2019 में जब वो नामांकन दाखिल कर रहे थे दूसरी बार, वो तस्वीर भी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। और अब आपको वाराणसी लिए चलने का समय आ गया है। ग्राउंड जीरो पर आपको लेके चलते हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सबसे पहले हम वीरेश पांडे के पास चलेंगे। वीरेश ये तो बताएंगे ही कि वो बिल्कुल ठीक ठीक वाराणसी में कहाँ मौजूद हैं और क्या देख रहे हैं, लेकिन इसके अलावा ये भी बताएंगे वीरेश के पिछले जो नामांकन हुए उसमें और आज की सुबह में माहौल में क्या सबसे बड़ा फर्क है। वीरेश देखिए, एक उमंग है, एक उत्साह है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री जब दशाश्वमेध घाट आएंगे तो बहुत सारे ऐसे दर्शनार्थी हैं जो माँ गंगा का दर्शन करने आए हैं और साथ ही साथ प्रधानमंत्री का भी दर्शन करने आए हैं। कहते हैं कि 84 घाटों में सबसे भव्य, सबसे दिव्य और सबसे खूबसूरत घाट है ये, और यहाँ पर स्नान ध्यान करने के बाद 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, यानी उद्धार हो जाता है। प्रधानमंत्री नामांकन के इस महापर्व पर सबसे पहले गंगा स्नान, मोक्षदायिनी गंगा, माँ गंगा ने बुलाया था 14 में, उन्होंने कहा था,
और एक बार फिर माँ गंगा ने उन्हें बुलाया है। माँ गंगा स्नान करेंगे, ये क्रूज सज गया है, ये दशाश्वमेध घाट सज गया है। दशाश्वमेध घाट वाराणसी में जो ये स्थित है, इसका धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है। और काशी खंड के अनुसार शिव प्रेषित ब्रह्मा ने काशी में आकर यहीं 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे। शिव रहस्य के अनुसार यहाँ पहले रुद्र सरोवर था, परंतु गंगा आगमन के बाद पूर्व गंगा पार, दक्षिण दशहरेश्वर, पश्चिम अगस्त कुंड और उत्तर सोमनाथ इसकी चौहद्दी बना। बहुत ही ऐतिहासिक महत्व का ये घाट है। दशाश्वमेध का अर्थ होता है 10 घोड़ों का बलिदान। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार राजा दिवोदास ने इसी घाट पर यज्ञ करवाया था, इसी वजह से इस घाट का नाम दशाश्वमेध घाट पड़ा। सबसे प्राचीन, सबसे बड़ा यही वजह है कि प्रधानमंत्री आज यहां आकर अपना स्नान ध्यान करेंगे, माँ गंगा से मिलेंगे और आरती पूजन सब कुछ होगा, क्योंकि ऐसा शुभ अवसर कभी कभी आता नहीं। 14 में आया था, कभी कभी आता है और आज वो शुभ अवसर आ गया है वीरेश, जब प्रधानमंत्री अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। अभिषेक उपाध्याय के पास चलते हैं, काल भैरव मंदिर से हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई है वाराणसी को भव्य और दिव्य बनाने की। वो दिन आ ही गया जब प्रधानमंत्री आज नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं। काल भैरव मंदिर में भी दर्शन करेंगे प्रधानमंत्री, वहां पर क्या तैयारी की गई है? अभिषेक, काल भैरव को काशी का कोतवाल कहते हैं। किसी भी शुभ कार्य से पहले उनके आशीर्वाद लेने की ये पुरातन पौराणिक मान्यता है। और ये देखिए सामने काल भैरव मंदिर के क्या जो मुख्य प्रवेश द्वार है, ये उसकी तस्वीर है। प्रधानमंत्री 9:55 पर यहाँ पर आएंगे और आप सुरक्षा देख सकते हैं, CRPF से लेकर के UP पुलिस तक यहाँ पर मुस्तैद है। यही वो रास्ता है, आपको मैं वो दिखाता हूँ जिस रास्ते से PM जाएंगे, यहाँ पर दर्शन पूजन करेंगे। और ये परंपरा 2014 से लेकर के 2019 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं पर आए हैं इसी काल भैरव मंदिर में दर्शन करने के लिए। और देखिए यहाँ पर पूरी तरह से पुलिस मुस्तैद है, जो भी आ रहे हैं उनकी जांच, उनकी छानबीन कर रही है। और यहाँ से आप आगे की ओर देखेंगे, ये पूरा रास्ता सैनिटाइज कर दिया गया है, यहाँ पर कोई भी आपको नज़र नहीं आ रहा है, सिर्फ पुलिसकर्मी हैं और जो स्थानीय लोग हैं उनको ही यहाँ पर जाने की इजाज़त है। तो प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे, दर्शन पूजन करेंगे और उसके बाद उनको NDA की आयुषी एक अहम बैठक में हिस्सा लेना है, ताज पैलेस में होगी, वो वहाँ जाएंगे। तो काल भैरव का बहुत ही एक धार्मिक महत्व है, प्रतीकात्मक महत्व है और पीएम मोदी की राजनीति के लिए ये एक विजय आशीर्वाद सरीखा है। आयुषी, ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये विजय आशीर्वाद सरीखा है और पिछले जो नामांकन थे उस दौरान भी ऐसा आपने देखा है। NDA की बैठक का भी आपने जिक्र किया। आपसे लता शुक्ला के पास चलते हैं, 80 घाट चलते हैं, वहां पर आज क्या कार्यक्रम है और क्या वातावरण है, सब कुछ बताने जा रही है स्नेहलता। बिल्कुल राजेंद्र, देखिए सबसे पहले तो 80 घाट पर आए हैं तो मेरे कैमरे के पीछे सहयोगी अजीत है, वो फ्रेम से गंगा जी के दर्शन कराएंगे। लेकिन सिर्फ दर्शन ही नहीं, राजनीति के दर्शन की भी इस वक्त गूंज है। एक तरफ दशाश्वमेध घाट पे जहां इस वक्त सिक्योरिटी टाइट है, दूसरी तरफ जैसे ही हम एंटर करते हैं हमारे हाथ में एक पर्चा थमा दिया जाता है, ये देखिए, और कहा यह गया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की ओर से कि दशाश्वमेध घाट पे मोदी जी नहाएंगे। तो अजय राय नहा रहे हैं लगातार और आज भी वो 8 बजे आएंगे, नहाएंगे। हालांकि वो अभी हमें दिखाई तो नहीं दिए वो कहाँ आ रहे हैं, लेकिन एक तरफ से अगर जोर आजमाइश की बात करें तो कल का रोड शो देखने के बाद भी जैसे वो लगातार नहाने आते थे मनोबल जुटा के आज भी आएंगे और अपने लिए गंगा मैया से आशीर्वाद मांगेंगे, अपने पार्टी के लिए आशीर्वाद मांगेंगे। तो ये एक राजनीति है जो घाट घाट की राजनीति इस वक्त भले बनारस में हो रही हो राजेंद्र, लेकिन इसके मायने पूरे देश में है, निगाहें पूरे देश की है। बिल्कुल निगाहें पूरे देश की वाराणसी पर भी है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना नामांकन फाइल करने वाले हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट TV पर। ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।